हमर स्वास्थ्य हमर दायित्व। नमस्कार, हम छी पूजा प्रसाद। अपने सब देख रहल छी द हेल्थ टाइम्स टाइम्स टेलीविजन से प्रसारण हुआ वाला स्वास्थ्य पर आधारित एगो कार्यक्रम। आई कुछ खास कार्यक्रम में कुछ खास हुआ वाला छे। आई कुछ खास स्पेशल गेस्ट आयल छथिन। आई के गेस्ट छथिन विश्व में लगभग 50 देश से बेसी देश घूमल वास्कुलर डिजीज पर हुनकर अपन स्पेशल योगदान छनि। आ वो मधेश के सुपुत्र छथिन आ विश्व प्रख्यात में हुनकर नाम लेल जायल छै। आ हुनका से भेटे के इच्छा अपने सबके या तो एज अ सीनियर वास्कुलर सर्जन अन्नपूर्ण न्यूरो हॉस्पिटल काठमांडू और नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल काठमांडू में मात्र यहाँ हुनका से भेट सकै छी। हुनकर नाम अछि डॉक्टर संदीप राज पांडे। तुरंते नेपाल में भेल छला इंटरनेशनल हिमवास समिट। हिमालयन वास्कुलर के वो प्रेसिडेंट एवं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन छथिन। ये हिमवास 2024 में भेल छलन एवं वास्कुलर से जतिक भी रिलेटेड डिसऑर्डर छन हुनका हुनकर योगदान एक प्रिवेंशन में आई के क्योर ट्रीटमेंट में बहुते बड़का छन। आई के ला आब आई कार्यक्रम में हुनका से बात चर्चा करे जा रहल छी। हुनकर एक्सपीरियंस हुनकर अनुभव एवं मिथिला में वो जे छै अखन के समस्या सब ओहि सब के बारे में कुछ चर्चा करे जा रहल छी। आई के कार्यक्रम कुछ खास रहत तो किया ने हुनका स्वागत करे छी। डॉक्टर साहब अपने के बहुते बहुते स्वागत है हमरा सब के कार्यक्रम द हेल्थ टाइम्स में। नमस्ते, थैंक यू प्रकाश जी अपने के आमंत्रण के लागी। आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन मैथिली बोले के मौका मिलल रही अपने के। कोविड से कुछ साल पहले एक बेर रेडियो नेपाल में पंथी जी भोजपुरी में इंटरव्यू ले रहतीन, लेकिन आई मैथिली जे हमर सबके मदर टंग है बोले में मौका मिलल है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। थैंक यू सर अपने के एला से मिथिला के एगो आई समाज में एगो हेल्थ टाइम्स में एगो बहुते बड़का इम्पोर्टेंट एगो इवेंट भेल जका छे अपने के फेर से स्वागत करब सर। सर बात करे छी जी अपने नमस्कार। के शुरुए से वास्कुलर वास्कुलर भ रहल छे कार्डियोलॉजी सुने छे हृदय रोग बुझा में आयल गायने अर्थात महिला स्त्री विभाग भेल न्यूरो भेल मस्तिष्क विभाग भेल अपने के कौन विभाग छे वास्कुलर की छे किया कि बहुते गोरा के वास्कुलर बुझ में नहीं आवे छे। हम चाह वास्कुलर किया आ वास्कुलर की छे से एक बेर एहि पर कनी चर्चा द दितो। अब अपने कार्डियोलॉजी कहल गेली तो कार्डियोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर कहे के छलिए पहले, तो वही जी में वास्कुलर मतलब जे खून खून के नस होइ छे अपने के, जे हार्ट से बाहर निकले छे या फिर आबे छे, आर्टरी जे बाहर निकले छे, वेन जे फिर आबे छे, जे खून के संचार करे छे, ई भेले प्राय। साथे में लिम्फेटिक नो लिम्फ नोड्स कहे के होइ छे, लिम्फेटिक सिस्टम जेकरा अपने के नेपाली में लसिका नली कहे छे, शायद जी संस्कृते वर्ड होते। तो लिम्फेटिक सिस्टम बोले ई तीन टा मेजर डिजीज अबै छे, आर्टरी वेन आ लिम्फ नोड। आर्टरी अपने के भ गेल अपन सब के नेपाली में कहे छे धमनी, जी आ वेन के कहे छे शीरा, आ लिम्फ नोड के कहे छे वास्कुलर डिजीज कहे छे। एहि सब के साथ भी कॉमन तौर पे वास्कुलर में देखे वाला जे होइ छे डायबिटिक फुट आ जी डायलिसिस एक्सेस, जे वास्कुलर किडनी फेलियर में जे अपने के ब्लड के प्यूरिफाई के लागी जे कल जाए से प्रोसेस डायलिसिस एक्सेस, उन सभी वास्कुलर डिजीज में आवे छे। जी सर सर ई तो भेली लेकिन ओके सर ई वास्कुलर मतलब आरो कंडीशन सब होय छे जेना कि अपने कहलखिन कि मतलब ई डायबिटिक फूड के बात लेली क्या गो 3 4 गो बात अपने लेलखिन ना तो ई मतलब जी, अगर टाइप्स क्लासिफिकेशन छे कि या कुछ टाइप्स है कि सीधे मतलब वास्कुलर नहीं, वास्कुलर में आर्टेरियल डिजीज अबै छै, जे अपने जी के हार्ट से आर्टरी होइ ना अपने के सफा खून बाहर ल जाइए, से पूरा आर्टरी हार्ट आ ब्रेन छोड़ के ब्रेन न्यूरो सर्जरी में चल जाइ छै, गर्दन हाथ गोर पेट सबके खून नस के, आ वेन जे फिरता हार्ट में लबै छै खून लंग्स हो के, तो वो वेन के डिजीज भ गेल। आ लिम्फ नोड जे अपने शरीर में लिम्फेटिक फ्लूइड सब संचालन करै छै, प्रोटीन एल्बुमिन, वही के डिजीज, तो आर्टेरियल डिजीज, वेनस डिजीज, लिम्फेटिक डिजीज, और जी विस्तार में डायबिटिक फूट, डायलिसिस एक्सेस, ये सब ऑब्वियसली नॉर्मली 5 गो।
अगर कहल जाए तो मतलब जे तरीका से हम बुझली अगर सिर्फ रक्त नली संबंधित रोग नहीं कहे का मतलब हाँ नेपाल जी जी नेपाली में बाहिकीय रोग नेपाली अथवा में, जी जी रक्त रक्त नसा रोग, ओहि में अब धमनी शिरा लसिका मधुमेह पैताला, आप अपन मैथिली में कहबे तो खून के नस, रक्त नस खून के नस के रोग, तो खून के नस अच्छा में आर्टरी वेन पहले अबे छै, ओहि के बाद ऐसे कनेक्टेड लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स भी अबे छै। हाँ जी सर ओके सर जेना कि अब गांव घर में देखल जाय छै जहाँ मतलब एबो केलखिन कुछ लोग सब आयल पूछा लागी जे गोर दुखाई या गोर फूल जाय हा अथवा मतलब स्पेशली प्रेगनेंसी टाइम में जे हरियर नस देखा लगे छै जी तनी बड़का बड़का ये सब उहे भेले लाइक अब जी, गोर फूले में अब अपन सब अंग्रेजी में स्वोलन लेग सिंड्रोम, तो जी गोर फूले के 80% कारण वास्कुलर डिजीज, वेनस डिजीज प्राय है, बीस जी परसेंट नॉन वास्कुलर भ सकी है, कार्डिक फेलियर, रेनल फेलियर या बहुत कुछ हो से। ऐसे अब फूले में अब लिम्फेडिमा, वो जी वास्कुलर माइल लिम्फेटिक नोड्स के लाइपेडिमा, कुछ फैट के इश्यूज भी हो से। आ दुखाए के जे कह लिए या तो गोर अपने के दुखाए कारण विटामिन डी कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बात कुछ हो सके, लेकिन वास्कुलर के कारण भी गोर दुखाई छे, खून ओके के जी सर संचालन नहीं भेल, जना जना कि हार्ट अटैक में होइ छे ना, खून नहीं गेला से चेस्ट पेन भेल, जी जी ओनाहिते जी खून नहीं गेला से लेग अटैक, लेग पेन होइ छे अपने के, चलते चलते गोर दुखाए लागल। हाँ जी जी आ आर्टेरियल डिजीज में, आ वेनस डिजीज में बेसी खड़ा भेल तो खून नीचा चुए लगे छे, वैसे गोर फूल गेल दुखाए लागल। ओके जी आप सर ये जेना कि आप वास्कुलर डिजीज में अपना तो नेपाल में किया जरूरी छे लाइक कतेक लोग के छे बेसी गोरा के जरूरी छे नेपाल में कि अपने के नहीं, नेपाल में वास्कुलर स्पेशलिटी के उन मतलब प्रगति 10 साल में भेली डिकेड में, जी आ अभी भी हमरा से सीनियर से भी छलखिन देखे छलखिन, लेकिन हम अपने के बहुत लंबा पढ़ाई के लिए मेदांता हॉस्पिटल इंडिया में 2 साल जी वास्कुलर जी में एमएस के बाद, फिर अमेरिका में हम कैली, तो अभी वास्कुलर में गो नेपाल मेडिकल काउंसिल में वास्कुलर के डॉक्टर के कदरता भी हम छी, तो हम सब में बहुत एगो शुरू ने एगो पायनियर जी का छी, में बहुत अपने के अवेयरनेस कैली, जी कि डॉक्टर ने छलिया रोग तो हेबे करे नेपाल में, अभी भी बहुत लोग वास्कुलर डिजीज हो तो में लेट से पहुंचल, जब लेग अटैक भ के गोड़ गैंग्रीन भ गेल काटे वाला कंडीशन तभी पहुंचल, अर्ली स्टेज में ऑर्थो न्यूरो जनरल में पेशेंट रहे छे, डायग्नोसिस नहीं भेल, जी जी लेकिन कॉमन डायग्नोसिस में आप वेरिकोज भी जल्दी भ जाए छे, तो जी पेशेंट सब वास्कुलर सर्जन एक डॉक्टर के कहलन, नहीं तो एक भी इलाज पहले जनरल सर्जन प्लास्टिक ऑर्थो भी कह दी छलखिन, लेकिन हम सब एक आधुनिक इलाज करे छे, नया नया इलाज आयल मशीन से, अमेरिकन मशीन सबसे बिना चीर फाड़ भीतरे बंद कर दिली, कोनो काट जी खुट नहीं करे पड़ल, बहुत नया नया उपचार नेपाल में कर रहल छी। जी जी आप जेना कि वास्कुलर के लागी खासे अपना मधेश में स्पेशली कुछ खास नहीं देखल जाए छे अब वास्कुलर ही कहीं का छुट्टी नहीं है नहीं लो जाएगा मतलब कि तकरा न्यूरो जरे कंबाइन कर दे छे कि ते कार्डियक जरे बट अपना सब की ये हाँ बात मिक्स कर दो इसे, लेकिन जी बुझे चाहे ये से नहीं बात अपने के ने सुनो ना, आई से 11 साल पहले हम डॉक्टर साहब बुझे हम एगो कैंपो रही कहले, तो वही टाइम जी कहलन जी कि जनकपुर में, जनकपुर हमर होम टाउन भेले, तो जी वही जी टाइम में हम काठमांडू में सेटल होब से नहीं दिमाग में रहे, तो वही टाइम वो कहलन तो अहाँ जनकपुर में प्रैक्टिस करब तो महीना में 2 गो 3 गो कहीं पेशेंट बजत वास्कुलर, लेकिन जी अभी हमरा महीना में जनकपुर से आई से काठमांडू में कम से कम 25 30 गो 50 गो पेशेंट अभी छे, बड़का जी बड़का जी साहू जी सब अभी छथिन, जानकी मंदिर में मिठाई दुकान कहते, नेता सब ठेकेदार जी सब मारे अभी छथिन, लेकिन अवेयरनेस 10 साल के लिए वही से अब तो जनकपुर से काठमांडू हाँ मारे पेशेंट अभी जी छथिन, जी टाइम मिलती तो हम हमारा कई बेर पछतावो आये आके कभी काल जनकपुर में देखे के, तो मिला के कभी काल वही हम शिविर उबिर भी करे के चक्कर में, आसिन 5 4 5 गोते जनकपुर में कुछ प्रोग्राम, जलेसर में कुछ एगो कैंप टाइप के भी प्लान कर रहल छी, हाँ जी तो सर आब वो तो जन बहुत जरूरी अवेयरनेस छे सर 10 जी जी 10 साल पहले ये बात अपने जे कहली से वास्तव में छे, लेकिन अभी जनकपुर से तो हमरा अब मतलब महीना में हम 10 गो 20 गो भाई मिनिमम देखे, तो अभी बेसियो देखे छी, हाँ जनकपुरे कह के आयल, नहीं तो जी जी अवेला मधेश से, रोहतक से, गौर से, राजबीरा से, वीरगंज से, सब तरह से अभी छथिन, लेकिन जनकपुर के बेसी अभी छथिन। जी आप जो है कि बीर हॉस्पिटल के एक भ्रमण में देखने रह गए शैक्षिक भ्रमण में
पेट पर लाइक वास्कुलर यूनिट भी 6 से 10 टा प्राय वास्कुलर के डिजीज छे, तो ऐसे सब पता लगा सके छी लाइक प्राइवेट में और कते हेते से अपना सब अनुमान मतलब छे बेसी छे अभी वीर में सेपरेट वास्कुलर के कभी नहीं बोली, वास्कुलर के समझिए। पुरान जो स्पेशलिटी है सीटीबीएस, कार्डियोथोरेसिक एंड सीटीबीएस में वास्कुलर, छे, एग्जैक्टली तो सीटीबीएस में वीर छे। में जी, तो वीर में अभी वास्कुलर थोड़े सी कही कही, नेपाल में वास्कुलर सेपरेट कही के सरकारी में के जगह है मनमोहन हॉस्पिटल, न तो कहीं भी जी कंबाइंड है। जी आ जी प्राइवेट में वो डेडिकेटेड दिन में बेसी टाइम दे वाला हम ही छी, न तो और भी कोई ऑफिसर डॉक्टर साहब सब वीर से, धुलीखेल से, जी गंगालाल से, मनमोहन से पार्ट टाइम एलन सांच के, लेकिन हम दिन में प्रेजेंस रहे छी, तो वही टाइम में जे पेशेंट एलन उनका डायरेक्ट देख सकी। जी हमरा सॉरी पास दूगो सेंटर है जी जी। जी जी 2 गो सेंटर छे, कह दी तुम कते कते छे। अपने का आवाज कट गेल, चल फिर कॉल जाओ। ओके नहीं अपने कहल कि हाँ 2 गो सेंटर छे, तो वही मतलब बुझे चालिए। और हम अपने जी के नॉर एक नॉर्विक हॉस्पिटल में छे, अन्नपूर्णा हॉस्पिटल जी जी थापाथली माइतीगर आजू बाजू में, तो नॉर्विक में आगो आप स्टैंडर्ड है वही समय। अन्नपूर्णा में हमारा पास ये नहीं कि हम सरकारी में काम करे छी, तो हमारे पास ऑप्शन है। अन्नपूर्णा में हमारा पास कोनो पेशेंट अबे छथिन मधेश से, जनकपुर से, कहीं से भी, तो हमारा अपना चलते सरकारी लेवल पे हम कंसीडर कर दी छी पेशेंट के, तो लगे हम सरकारी में नहीं काम करे छी, तो हम प्राइवेट में सरकारी के लेवल के पेशेंट को सर्विस दे छी। गाँव से कते अबे छथिन जे सब बाहर जी काम करते रहे छथिन, बमरपुर आके, रतौली, कहाँ कहाँ के, लोअर पट्टी के, जी गोर में घाव जी सब लगे, तो हमारा अपना चलते बहुत कंसिडर कर दी छी। एक सुपुत्र भेलिए अपने मिथिला के, अपना सबके कर्तव्य भेलन, ई सौभाग्य सेहो पहले छे अपने के मिथिला में। हम जी 11 साल पहले अथी में नेपाल मेडिकल कॉलेज में रही, तो जी वही सब तो अभी भी डेवलप नहीं भेली वास्कुलर, जते हम मानू इन्हीं कह दिले अन्नपूर्णा में जी विदेशी पेशेंट सभी अबे छथिन। अभी अपने के हमर नाम से पेशेंट अरुणाचल प्रदेश से आयल छलिए, इलाहाबाद से अबे छै, इंडिया में कतेक इंश्योरेंस रहित तो नाम वही डॉक्टर्स करावे छै, काठमांडू अबे छै पैसा तिर। जी नहीं ये बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिलिए सर, किया कि अपना सबके प्राय छे स्पेशली मधेश में बॉर्डर पार जाना है, मतलब जाओ दिल्ली जाओ सके छी, ता नहीं जी सके छी जी तो पटना जाओ, तीन छे हिसाब मतलब हमरा अपन। अपने के सुनल, मतलब इंडियन पेशेंट नहीं लेकिन नेपाली पेशेंट जो दिल्ली बॉम्बे जाए छे ना, तो वही में आप जो सक्षम छे कि खर्चा अपने के अइजा 1 रुपया है, तो वही जो 3 4 5 पड़ जाए छे, तो जी जे जी पेशेंट कहलक कि नहीं इतना नहीं खर्च कर सकेंगे, तो हमरा उन्हें डॉक्टर साहब सब तो चिन्हे छथिन, अरे जी संदीप जी पांडे नेपाल में है इन्हें पठा दे छथिन, तो हमरा डायरेक्ट फिर घूम के पेशेंट रिफर और इंडिया से रिफर होके अबे छे। जी आई बात दस काठमांडू में भी सब तरह बड़के नाम है कि संदीप पांडे के पेशेंट इंडिया से पठवे छे। जी जी अपॉर्चुनिटी से सर एगो जनता के जी लागी। सर वास्कुलर पर अपने से बात करे छलो है, आप वास्कुलर डिजीज छै कहि के केना चिन्हबे, मतलब कुछ स्पेसिफिक साइन होइ छै कि मतलब लक्षण की बुझबे जे हमरा वास्कुलर भ गेला कहि के। लक्षण कॉमन लक्षण वास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमन होइ छे अपने के गोर में, जी मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, वही तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का कहै छै, तो गोर में, ओय के बाद कॉमन होइ छै हाथ में, तब पेट में, गर्दन में, सब तो बेसी गोर में होइ छै। तब कॉमन जी लक्षण गोर फुलनाय, गोर दुखनाय, गोर में घाव होनाय, या गोर में वेरिकोस वेन्स प्रस्टे देखनाय, अपने के कीरा जी का फुलल नस सब, जी टेंटर नस सब, तो कॉमन सिम्टम ये रहै छै। अब जरा कि अभेरिकोस वेन के बाद चर्चा बड़ी के बहुते जोर से आबि रहल छे आ बार बार आबि रहल छे, ते कनी एहि पर बेसी प्रकाश दितौ। वेरिकोस वेन ककर किनका सबके होइ छे? वेरिकोस वेन अपने के बहुत कॉमन डिजीज है, अपने के खोजल जाए तो 10 गो में 3 गो मिलती है, 3 गो में जी 2 गो, 2 गो अपने के औरत, 1 गो मेल में मिल सही। वही के बाद ऐसे में और रिस्क फैक्टर बेसी फीमेल 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 जेंडर में मिली से, आई के बैग होने का और कारण है लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, ज्यादा देर खड़ा रह चतन, जी ओबेसिटी, मोटापन, पेट के प्रेशर से भेन सब कमर के खराब होके, खून गिरनाए, आ सुत के रे प्रेगनेंसी गर्भावस्था में भी होइ छै, जी बच्चा 8 9 महीना पेट में रहै छै, तब ओ बहन के बाल के दबा दबा के अथी होइ छै। ओइके बाद अपने के रामदेव के एक्सरसाइज जे है कपाल भाती, पेट जी नीचा मुंह धक्का देलक, ओहो से बहुत पेशेंट लाइक के अबै छै। हाँ एहिके ओके बाद जी खानदानी भी होइ छै, जेनेटिक भी होइ जी छै, आलस्य लाइफ, दिन भर गोर लटका के बैठल रहो, और सबसे कारण से बाल बिगड़ जाए छै, अपने के बहन के काम जी खून ऊपर ल जाए के,
तो बाल्ब रोकै छै आ बिगड़ गेल तऽ खून ऊपर जाके नीचे चुए लागल, तो वैसे बाहर नस फूले लागल। आ गंदा खून होइ छै अपने के जे फेफड़ा में जाके सफा होइ छै, तो ई गिरला से की भेल कि गोर सब कारी भ गेल, हवाए लागल, हाँ जी पागल, मतलब पेरेस्थेसिया, जलन, ई सब भेल, स्वेलिंग, आ रसे रसे छाला बिगड़ के एक्जेमा भ गेल, अल्सर, आ कंठे में चोट जी लाग के फूट के ब्लीडिंग भी भ जाय छै अपने के। हाँ ओके मतलब नस फूट गेल जी जी बहन, ओके सर तो ये मतलब जो पेरिफेरल जो स्पेशली नीचा के कोर सब में छे से भेन में बेसी होय छे कि आर्टरियो में उतबे हो के चांसेस छे आर्टरी में भी हो छे लेकिन भेन मोर ओके कॉमन है आर्टरी में, जी बल्कि बेसी आर्टरी में वे कलिन आर्टरी में लॉन्ग टर्म में स्मोकिंग से, कोलेस्ट्रॉल से, डायबिटीज हाँ से, ओके और जी सब से खून के नस में ब्लॉकेज चला आयल, एथेरोस्क्लेरोसिस भके या एक्यूट थ्रोम्बस, तो बंद जी होला से खून नहीं गेल तो मान सब कराए लगे छे अपने के, तो वही के दर्द होइ छै गोड़ में। आ वो तो मिलाल नहीं भेल तो बाद में खून नहीं गेल तो गोड़ ठंडा पड़े लागल, मर के कारी गैंग्रीन भ गेल, तो वही टाइम इलाज काटकुट इलाज होइ छै के। जी सो मतलब अंग भंग हो के सेहो संभावना रहे छे अगर कॉम्प्लिकेशन अगर ट्रीटमेंट नहीं जी भेल जी जाए तो एम एगो एक्सीडेंट से आदमी के ट्रॉमा से एम्पुटेशन होइ छै, दोसर जी के होने कारण है वास्कुलर डिजीज। हाँ ओके फाइन सो वही के लागे आई के सही समय पर इलाज बहुत ही आ जरूरी ए छे आई पर एम्पुटेशन पे कही छी आप, जी इंडिया के सोसाइटी सब लास्ट ईयर शुरू कल के एम्पुटेशन फ्री इंडिया, मतलब इंडिया में गोरहत बचाओ, जी जी आई जी साल सब चली टाले एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड अगस्त 4 के, तो वही दिन हम नेपालों में एबेर हम जनगणना कर देली वास्कुलर वर्ल्ड डे कहीं जी के, तो जी अहू से जी हम कुछ रैली उली निकाल दिल रही है कि अपन एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड, गोरहत बचाओ, टाइम जी इलाज जी कराओ। जी जी या एग्जैक्टली मतलब वास्कुलर डिजीज के एम्पुटेशन में तो बहुत एक बढ़िया रोल देखा गेले जेना कि क्या कहलखिन अपने अवसर तो क्योंकि किछ वार्निंग साइन होइ छै जे मतलब हमरा वास्कुलर भ गेल आब हमरा कॉम्प्लिकेशन हुअ सके मतलब खतरा के कुछ लक्षण देखल जाए सके छै कि मतलब ई साइलेंटली चुपचाप भ जाए छै नाइस। साइलेंटली डायबिटिक पेशेंट में होइ छै, जे पेशेंट के डायबिटीज रहै छै ना, ओके जी ओकरा में जी साइलेंटली डायबिटिक डायबिटिक फुट वेल, डायबिटिक में गोर में घाव भ गेल, या क्लाउडिकेशन जे पैर में दर्द होइ छै चले में सेहो मालूम नहि भेल, डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट होइ छै, जी लेकिन जी नॉन डायबिटिक स्मोकर समय तो सिम्टम एकदम पेनफुल भेल, चलते चलते गोर दुखायल जी या जी घाव शुरू भए के भेल, लक्षण देखबै छै। तो आई के आ मतलब ई मतलब प्रक्रिया की छे सर जेना कि आप सपोज कोई आव गेलखिन कहलाएगी या हमरा बुझाएल से भेर भिड़कुस भेन छे चाहे मतलब या फिर ई वास्कुलर डिजीज के लाइक लक्षण छे या फिर अब जतेक भी ऑडियंस अपना सबके दर्शक बिन सब देख रहल छथिन हुनका सबके लागे शंका तो पहिलका की स्टेप छे कोन जगह पर कोन डॉक्टर से भेटा चाहिए क्या हर जगह पर तो अपने सब भेटे के सौभाग्य मिलते ही नहीं तो अब मतलब फर्स्ट टाइम की कैल जाए कोन डॉक्टर से भेटला से होते या मेडिसिन डॉक्टर से या वास्कुलर जी अब खासे यही के प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जनरल सर्जन या फिजिशियन, ऑर्थो, न्यूरो कोई कह सके छतन, आ जी ट्रीटमेंट कह के तभी तो आप 10 वर्ष में रिफरल अभी है देखे छे अपने के, लेकिन बाहर जाना बेलायत के बात है, तो बेलायत समय वास्कुलर सर्जरी के रोग देखतो में पहुंचे में टाइम महीनों लाग जाए छे, बीच में जी जनरल फिजिशियन ये सब देखला, कि नेपाल में हम सब डायरेक्ट देखे छे, अब हम प्राइवेट जी प्रैक्टिशनर छी, पेशेंट के वेट नहीं करबे छे, अब सरकारी में जे इलाज होइ छे अपने के 9 महीना बाद बोलेलक, कते पेशेंट जनकपुर सब के जी या उपरो उपरो हिमाल पहाड़ तरफ के भी रहै छे, तो ऑपरेशन टाइम 9 महीना में देलक, कला कि वो जो हफ्ता में 2 दिन ऑपरेशन भेल, बाकी दिन तो हम डेली करै छी, मानो नेपाल में हम 20 दिन से महीना में 10 दिन बाहर, तो हम 100 दिन छोड़ के डेली ऑपरेशन करै छी, तो जी जी अपन टीमो हमर है, असिस्टेंट सब भी है, तो वो लागी खासे वेट नहीं करे पड़े छे, डायरेक्ट हमो ला सके छतन, आ नहीं पहुंच सके छतन तो कार्डियोलॉजिस्ट छतन, जनरल सर्जन छतन, जनरल फिजिशियन कहीं देखा सके छतन। अब एगो ईमानदार डॉक्टर कोनो विभाग के हुए, गायनी हुए, डरमा, वो वास्कुलर रोग पकड़ सके, लेकिन कुछ डॉक्टर साहब जी रहे छतन छाले के डॉक्टर साहब, भेरिकोच घाव सब में क्रीम लगवे रहे छतन, आ गोर जब पूरे अल्सर भ गेल स्टिंगिंग तब पठैलन, लेकिन ऐसे जी बड़का डॉक्टर साहब छतन नेपाल के पहला प्रोफेसर स्किन के डॉक्टर अनिल झा, वो सर से हमारा महीना में कम से कम 30 को 40 को पेशेंट अबे छी, क्लास जी सर जी पकड़ ले छी ना ये, आ वही में कभी काल 20 को निगेटिवो निकल गेल, हम कहे ना छाले के दागो वास्कुलर हाँ वर्ल्ड हाँ में, जी तो फिर जी सर ले पठा दी, जी लेकिन कुछ पेशेंट हम देखे जाए स्किन डॉक्टर सबसे बाहर से लेट से आयल, घाव भके पूरा बिगड़ के तब आयल खोज खाज के,
लागी एगो सही डॉक्टर एमबीबीएस भी वास्कुलर डिजीज छुटिया सके, लेकिन हाँ जी हाँ वे लोग ने, लेकिन जे पेशेंट अबे हमारा पास मैनेज है सब, टाइम मिलेल हम खास वेट नहीं करबे छी, देख लेली कभी जी काल जी बेसी रहल तो साझो साझो तक देख देली, नहीं जी रहल तो सवेरे घरे चल लेली। जी मतलब अब ई हो छे कि सिर्फ फिजिशियन सबसे देखेला के बाद दो एक बेर वास्कुलर लंग जरूर पहुंचना चाहिए उनका सबके। सर वास्कुलर डिजीज, जी वास्कुलर डिजीज है तो आई थिंक दे शुड कम। ओके आप जो ना कि आप गोड़ टूटले तो एक्सरे कराओ या फिर मोटू संबंधी छे तो ईसीजी कराओ और ने वास्कुलर संबंधी कुछ डायग्नोसिस प्रोसेस मतलब वही के जांच परिचार करा के लागे कुछ कोई चे आई मीन स्पेसिफिक जी है। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वास्कुलर अल्ट्रासाउंड डॉपलर, यूएससी ओके हाँ डॉपलर, अल्ट्रासाउंड वास्कुलर प्रोब से कॉमन वास्कुलर डिजीज पता लगा सके छी। कभी जी काल जी कॉम्प्लेक्स नहीं भेल तो वही के बाद सीटी एनजीओ होइ छै, सीटी ओहि में दवाई दे के ओके देखे छी, वो कह सके छी एहि सबसे आंखें अथी भ गेल। जी आप सर एंजियोग्राफी के बात ले सीटी एंजियो के तो आई में की होई छे मतलब काइट का या फिर आप सीटी स्कैन ना 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 का जी सीटी स्कैन है होइ छै, लेकिन ओहि में एगो डाई कह के दवाई जैसे जी रेडियोलॉजी देलक, हाँ जी तो वही जी में अपने के खून खून के नस में कोनो रुकावट है ना तो हाँ दवाई जी के जी माध्यम से देख सके छी। जैसे ओके रुकावट जी है डाई नहीं पास भेल, जैसे रुकावट नहीं उसे डाई पास भेल तो वही में छुटिया हाँ सके छी, जी कहाँ जी कहाँ बंद है, कहाँ जी ऑपरेशन करे के या दवाई हाँ खियाबे के, ये सब देख सके। जी आप सर एक स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट होते हैं कि सिर्फ लाइफ लॉन्ग जेना कि डायबिटीज के हार्ट वाला सब के दवाई खा पड़े छे उन्हें लाइफ लॉन्ग दवाई खा पड़े छे कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो छे। अब आर्टेरियल डिजीज में मेडिकल ट्रीटमेंट तो करी पड़े छे, हाँ एग्रेसिव ट्रीटमेंट, वही के जी बाद अगर कम रुकावट है 70% से कम तो दवाई खियावे के, एक्सरसाइज, फिजियोथेरापी, लाइफ स्टाइल। 70% से बेसी रुकावट है तो एक ऑपरेशन हो चाहिए, एगो चीर फाड़ के बाईपास ऑपरेशन, दोसर रास्ता बनाओ, जी दोसर बिना चीर फाड़ के इंडोवास्कुलर सर्जरी, तार कैथेटर के माध्यम से बैलून सब स्टेंट के माध्यम से खोल के फिर नया नस बना सके छी, एगो ओपन ऑपरेशन, एगो इंडो वास्कुलर सर्जरी। ये जी कला के बाद भी कुछ लो डोज मेडिसिन खाए पड़ी छे। वेनस डिजीज में अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस भाई जी, भीतर खून जम गेल तो दवाई से खुल गेल, कुछ महीना खाए पड़े तब नहीं हो खाए पड़ल, या ओकरा भी एक्यूट कंडीशन में नया नया मशीन है काठमांडू में अवेलेबल है, ओकरा निकाल के फेंक सके छी। जी वेरिकोस भी नहीं तो कोई एक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ मशीन से करे छी, हम जी अपने के 20,000 कह लेली, हम कैटा मंत्री के कैली हीरो जी सब के फिल्म के, तो वही में कैला के बाद रिकरेंस हो, लेकिन दवाई लॉन्ग टर्म नहीं खाए पड़ी। हाँ ओके जी आर्टेरियल डिजीज में कुछ लंबा खाए पड़ी जे नस मतलब धर धर के या। जी सर मतलब कि अगर बंद सही टाइम पर ट्रीटमेंट भ जाए तो क्योर होई छे मतलब पूर्ण रूप से ठीक भ जाए छे। हाँ क्योर होइ छै, रिकरेंस वेलफेयर से बंद भ गेल, लेकिन इलाज करैला पर पेशेंट के डेफिनेटली बेनिफिट होइ छै। आप जी हाँ वो समय पर आवा चाहिए अपने पाल के तो प्रावधान से लेट से जाओ डॉक्टर्स के हाँ पास। किनका वे तो किनका छोट कंट्री होइ तो, मैं कभी काल मौसम खराब तो गाड़ियों के समस्या, प्लेनों के हाँ जी समस्या ना भ जाइ छै, लेकिन आप फास्ट ट्रैक खुल रहले तो फास्ट। जी सर अब बात भइए रहल छे ई ट्रीटमेंट के बारे में तो पहले एगो बात चर्चा करे छी कि अगर कि मतलब कोन कोन जगह पर जेना कि अन्नपूर्णा में नॉर्विक में अपने भेटलखिन तकर बाद नेपाल में अगर ट्रीटमेंट कराबे के हो तो और कोन जगह पर जा सके अपने की कुछ मतलब जानकारी है प्रकाश सर। वास्कुलर के इलाज भीड़ में, मनमोहन में आ धूलिखेल में, ये तीन जगह कनिक वास्कुलर के कुछ नया नया इलाज सब भर रहा है, ओहि के जी बाद और कोनो डेडिकेटेड सेंटर नहीं खास है। हाँ जी होबो नहीं करते यही सब छे मेन मेन छे। सर आप जेना कि कतेक मतलब खर्च है कि कनी बेसी जी पड़ जाए छे कि जी ट्रीटमेंट के कि मतलब न्यूनो आय वाला सब मेडिकल सोशियो लो सोशियो इकोनॉमिक वाला सब से हो ट्रीटमेंट करा सकते हैं कि छे सर अगर ट्रीटमेंट जेना नया ट्रीटमेंट सब छे अब तो इलाज आप सब अभी नहीं कि लो सबके इलाज है, आप मेन दवाई से भी शुरू कर जाए तो दवाई भी दो टाइप के, कोनो
कुछ सस्ता दवाई प्राण पर पहले जस्ट लंच मिल रहा है, वो सब बहुत सस्ता, लेकिन उसमें क्या खून बेसी जांचे पड़ल। अभी नया दवाई सवाल जे में अपने के खून उन्हें जांचे पड़ल फिक्स हो, लेकिन फिर ओके पैसा फिर मांग है, तो दवाई जी में भी मांग सस्ता, उपचार के बाद ऑपरेशन में भी अब चीर फाड़ करके करे में क्या सस्ता पड़ल। इंडोवास्कुलर जी सर्जरी के मांग पड़े छे, लेकिन हम अपना चलते अन्नपूर्णा हॉस्पिटल में हम पेशेंट के बहुत कंसिडर कर दी छे, कला जा डॉक्टर के लागे नेगोशिएशन सिस्टम में, तो हम पेशेंट देख के जी हम जी मैनेज कर दी छे। जी सरकारियों सब में अपने के पैसा लगे छे, वन फ्री इलाज हाँ जी तो पैसा ले छे। जी सर, अपना सब लगभग कार्यक्रम के अंतिम दिशा आबि गेल छी। कार्य के कुछ है ना फ्री सर्विस सरकारी में, लेकिन बासकुल के नहीं पूरा। जी लगभग कार्यक्रम के अंतिम दिशा आबि जी गेल छी। तो एहन कुछ छै जे हम नहि पूछ सकलहुँ अथवा अपना सबके वार्तालाप में नहि आयल, जे अपने आप जेनाकि डॉक्टर जी के तरफ से कुछ संदेश जाय चाही दर्शकवृन्द लग। अपने के प्राइम अभी भी लोग बच्चा बेसी हो छे, तो बेसी प्रेगनेंसी से वेरिकोज वेन अपने के गोर में मात्र ना बाकी प्राइवेट पार्ट्स में भी हो छे। हम अपने के कुछ मोहतरी सिरा सब कुछ पेशेंट को इलाजों के लिए हम प्राइवेट वन में कुछ पेशेंट अपने के अब कास्ट नहीं कहल जाए, वो कास्ट में कुछ बहुत बच्चा जन्म अभी छथिन, तो वो कास्ट से भी बहुत पेशेंट आयल हमारा ला। आ कॉमन में भी बच्चा तो अभी भी पुरान कुछ जनरेशन के तो 7 को 6 को बच्चा रहे छे ना, तो बहुत में वो सब अथी के लगा उससे पेनफुल रही अपने के पारिवारिक जीवन या नॉर्मल लाइफ स्टाइल, तो वन पेशेंट से भी अभी छथिन। आ देखार में जे भी वास्कुलर आर्टरी डिजीज हो, वेनस डिजीज के लक्षण हो, लिम्फेटिक डिजीज हो, तो हमारे विचार से डिले नहीं करके देखावे आवे पड़े, खर्चा पानी में सबके। आप जी सर, आपने बहुत ही नया बात सेहो इंक्लूड केलहुँ, कैलाकि आप महिला सबके लागि स्पेशली महिला भऽ कऽ हम मतलब ई प्रोग्राम कऽ रहल छी, आइ मे ई बात चर्चा भेलै हँ जे बेसी मतलब संतान जन्मेला के बाद अपने के सिर्फ हाँ जी एहिके बाद भी वास्कुलर में पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहै छै, जे जी अभी पूरे नेपाल में अपने को ओवेरियन वेन होइ छै ना, ओहि में खून दर्द भेल, पेट सब में खून के नस दिखाई देल, तो वो सब के इलाज होइ छै, नया इलाज सब नै तो ओहि के गायनेकोलॉजिस्ट सब तब खासे जेना वो भेल वेन के आर्टरी जी के भी रोग सब होइ छै, तब फाइब्रॉइड जे होइ छै अपने हाँ के जी जी 50 को लेडीज में होइ छै, 100 में 50 को में, हाँ तो वही जी के बेसी गाइनी तरफ काट कूट, लेकिन एकरा वास्कुलर में बिना काट के उन्ना सब के बंद करके इंडोवास्कुलर से ठीक कर जा सके। नेपाल जी जी ये एकदम बहुत ही मतलब ये जी में में कुछ के लिए, लेकिन जी उनका ये मतलब कॉस्ट के किनका मैटर पर जैसे, लेकिन नेपाल जी में हम जी सब इलाज कर रहल छे, आप जी जी नहीं इलाज तकर सब बाद इलाज इंडोवास्कुलर सर्जरी के के। जी इलाज के ट्रीटमेंट तरीका में पड़े जाए छे आप ई, लेकिन ई महिला सबके बहुत ही जननाय जरूरी छे, महिला के साथ साथ जो बेस पुरुष सब छथिन जो पारिवारिक जीवन में आबद्ध छथिन, कि बेसी संतान जन्मेला के बाद मतलब जे ई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन छे, महिला प्रजनन के जे अंग छे ओहि समय सेहो वेरिकोस वेन बनि सके जे के कारण और कॉम्प्लिकेशन सब हो सके आ जी ई सिर्फ गायने में बल्बर वेरिकोसिटीज जी रिमूवल कर के ने वेरिकोस वेन के ट्रीटमेंट के जरिया से सेहो ट्रीटमेंट मतलब हुआ सके आ इलाज सही जगह पर से एगो बढ़िया बहुत एक मतलब एगो रोचक बात आयल सामने में जो बहुत जरूरी बुझाया हमरा सबके ई छला तब डॉक्टर साहब बहुत एक बढ़िया बात सब आयल आई वार्तालाप में। लगभग आब अंतिम अंतिम में आबि गेल छी आ विदा कह के सेहो वक्त आबि गेल छै। हमरा सबके टाइम्स टेलीविजन के संपूर्ण परिवार से एवं टाइम्स हेल्थ के संपूर्ण परिवार से अपने के बहुत एक धन्यवाद एवं बहुत एक नमस्कार। स्वागत या हम चाहब कि फिर से अपने के मतलब अमूल्य समय एक बेर और कोनो दिन रहे अपने के फुर्सत में रहे एक बेर वार्तालाप हुए या कुछ एहने विशेष प्रसंग पर बातचीत हुए अते कहे तो अपने के एकदम हृदय से धन्यवाद दैत कार्यक्रम से की आगे लेल जाए तो नमस्कार। सर
नमस्कार सर, थैंक यू वेरी जी मच जी जी एवं जी श्योर श्योर, दर्शक मित्र नमस्कार सबके जी, सेवा, जय नमस्कार। जय मिथिला जी, नमस्कार, जय।